हायर की वॉशिंग मशीन खरीदने पर आपको हार्दिक धन्यवाद। वॉशिंग मशीन को चालू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ध्यान रहे, जहां वॉशिंग मशीन रखनी हो उस जगह मशीन पर सीधी धूप नहीं आनी चाहिए। वॉशिंग मशीन के पास गर्मी उत्पन्न करने वाला कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए। वॉशिंग मशीन के पास गैस का सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा तरल या गैस विस्फोटक पदार्थ न हो। वॉशिंग मशीन को स्नान घर में अथवा जहां पानी की छींटें और नमी अधिक हो वहां स्थापित नहीं करना चाहिए। वॉशिंग मशीन का पावर सप्लाई सॉकेट अलग होना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड का प्रयोग न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि पावर पॉइंट में अर्थिंग सही हो और यदि वोल्टेज में असंतुलन हो तो स्टेबिलाइजर का प्रयोग करें। जरूरत होने पर कम गर्म पानी का प्रयोग करें। अधिक गर्म पानी का प्रयोग करने से कपड़े खराब हो सकते हैं। ड्रेन पाइप को इस प्रकार नीचे डालें। इनलेट पाइप को वॉशिंग मशीन में लगाएं और दूसरा सिरा पानी के नल से लगाएं। अब आपकी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कंट्रोल पैनल पर 3 नॉब हैं। पहला वॉश टाइमर, दूसरा वॉश सिलेक्टर और ड्रेन नॉब और तीसरा स्पिन टाइमर नॉब। वॉश टाइमर में पहले 15 मिनट वॉशिंग के लिए हैं और 15 से 45 मिनट सोकिंग के लिए हैं। अधिक मैले कपड़ों के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करें, इससे धुलाई की गुणवत्ता अच्छी होगी। यह वॉश सिलेक्टर नॉब है। यहाँ से कपड़ों के अनुसार नॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटे कपड़ों के लिए स्टैंडर्ड और चादर, पर्दे इत्यादि के लिए स्ट्रॉन्ग सिलेक्ट करें। जब पानी निकालना हो तो ड्रेन सिलेक्ट करें। यह स्पिन टाइमर नॉब है। इसे दबाकर आप 1 मिनट से 5 मिनट के बीच कपड़ों को स्पिन कर सकते हैं। यह वाटर इनलेट सिलेक्टर है। सिलेक्टर को वॉश की तरफ करेंगे तो वॉश टब में पानी आएगा और स्पिन की तरफ करेंगे तो स्पिन टब में पानी आएगा। पहले वाटर लेवल सिलेक्टर को कपड़ों के अनुसार सेट करें, फिर वॉश टब में पानी भरें, फिर वॉशिंग पाउडर डालें। उसके बाद वॉश टाइमर 1 मिनट पर सेट करें और पावर स्विच को चालू करें। इससे वॉशिंग चालू हो जाएगी और वॉशिंग पाउडर अच्छी तरह पानी में धुल जाएगा। सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग अलग वॉश करें तथा कपड़ों को मशीन में डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जेबों में कोई कॉइन अथवा कोई तेज धार वस्तु न हो। अब वॉश टाइमर को 15 मिनट पर सेट करें और कपड़ों को एक एक करके मशीन में डालें। ध्यान रखें, कपड़े पानी में तैरने चाहिए, मशीन को ओवरलोड ना करें। 15 मिनट चलने के बाद वॉश टाइमर बजर साउंड से बंद हो जाएगा। इसका मतलब वॉशिंग पूरी हो गई है। वॉशिंग पूरी होने के बाद रिंस करना होता है। रिंस करने के लिए कपड़ों को वॉश टब से स्पिन टब में एक एक करके डालें और सेफ्टी कैप को स्पिन टब में कपड़ों के ऊपर दबाकर स्पिन लिड को बंद कर दें। अब 1 मिनट के लिए स्पिन टाइमर को सेट कर दें। इससे स्पिनर चालू हो जाएगा, पर अगर स्पिन टब मशीन में टकराता है तो कपड़े निकालकर दोबारा एक एक करके डालें। 1 मिनट चलने के बाद स्पिन टब बंद हो जाएगा और डिटर्जेंट का पानी पूरा निकल जाएगा। अब वाटर सिलेक्टर को स्पिन की साइड करें और 1 मिनट तक पानी को चलने दें। फिर 1 मिनट बाद पानी को बंद कर दें और स्पिन टाइमर को 1 मिनट पर सेट कर दें। स्पिन चालू हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा और फिर स्पिन बंद हो जाएगा। रिंस कम से कम 2 बार करें, फिर दोबारा 1 मिनट के लिए पानी चालू करें। 1 मिनट बाद पानी को बंद करें और स्पिन टाइमर को 3 मिनट के लिए सेट कर दें। 3 मिनट बाद स्पिन बंद हो जाएगा, तब स्पिन लिड को खोल के कपड़ों को बाहर निकालें। अब आपके कपड़े धुल चुके हैं। नोट करें, यदि कपड़े अधिक मैले हो तो कपड़ों को कम से कम 3 बार रिंस करें। वॉशिंग पूरी होने के बाद हर बार फिल्टर साफ करें। वॉश टब में थोड़ा पानी डालकर वॉश टाइमर को 1 मिनट के लिए चलाएं और पानी को ड्रेन कर दें। इससे मशीन साफ हो जाएगी।
अपनी हायर वॉशिंग मशीन को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और इसका लंबे समय तक लाभ उठाएं। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।